खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मतदान अब से आधे घंटे बाद शुरू होने वाला है। पहले चरण का ये मतदान है 17वीं लोकसभा के लिए। 91 सीटों पर आज 14 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो है वो वोट करने वाले हैं, और ऐसी 33 सीटें हैं 91 सीटों में से जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला है। इसी तैयारी में एबीपी न्यूज कई दिनों से जुटा हुआ था, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो, चाहे वो ओपिनियन पोल्स हो, चाहे वो तमाम बड़े दिग्गज जो जर्नलिस्ट हैं उनकी राय हो, वो हमने इकट्ठा की है और आज आप तक पहुंचाएंगे, ये वादा है। अलग अलग तरीके से चुनाव के इस रंग को पहुंचाने का वादा एबीपी न्यूज लगातार आपसे करता रहा है, और इसीलिए 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स अलग अलग मतदान केंद्र पर मौजूद है। वहां नेता भी पहुंचेंगे और नेता को चुनने वाले पहुंचेंगे, वहां से भी रिपोर्टिंग होगी। लेकिन फिलहाल जरा रुक कर लेते हैं कुमकुम का, और बता दूं आपको कि मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित भी हैं। आप आधे घंटे बाद जब वोट डालने के लिए जाए तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, यानी KBPM, और फिर सेल्फी हैशटैग के साथ भेजिए, शेयर कीजिए, हम दिखाएंगे, ये वादा है। कुमकुम, बिल्कुल रूपिका, एलईडी स्क्रीन पर आप मौजूद हैं और क्या हाईटेक इंतजाम आपने किए, लेकिन सुमित पूरे पैनल के साथ मौजूद हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज, क्योंकि ना सिर्फ हम आपको हर पल की अपडेट देते हैं रिपोर्टर्स के जरिए, आंकड़े आपके सामने रखते हैं, पूरा विश्लेषण रखते हैं, बल्कि रिसर्च भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आंकड़ों का ही तो मतलब है चुनाव। एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा हमने आपके लिए तैयार किया, हम चाहते हैं कि आप वो देखें, और ये आंकड़ा है इस पहले फेज के मतदान की 10 बड़ी बातें। 20 राज्यों में 91 सीटों पर मतदान है, 12,000 से ज्यादा उम्मीदवार है, 14 करोड़ से ज्यादा लोग वोट करेंगे 91 सीटों पर। सुबह 7 बजे से, यानी कि अभी से आधे घंटे बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर मतदान, या फिर ये कह लें कि पूरा जाट बेल्ट आज मतदान करने वाला है। बिहार की 4 महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान हो रहा है, पूरा उत्तराखंड आज मतदान कर देगा। 4 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव भी है, कौन से है वो राज्य, सिक्किम, ओडिशा, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और आंध्र में भी आज विधानसभा चुनाव है। तो इधर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान देश के 5 राज्य करने वाले। तो देखिए कितना दिलचस्प आज का ये दिन हो जाता है, और इसीलिए आपको किसी भी हाल टीवी छोड़ना नहीं है, एबीपी न्यूज के साथ लगातार बने रहना है। सुमित, जो बात कुमकुम समझाने की कोशिश कर रही है उसको दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मतदान आज ही पहले चरण में होकर खत्म हो जाएगा, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधानसभाएं भी हैं, पूरी पूरी लोकसभा, पूरी पूरी विधानसभा आज निपट जाएगी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 7 चरण में मतदान होगा, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी और बंगाल भी है, उस पर भी हम खासतौर पर बात करेंगे। लेकिन यूपी की बात करते हुए, पश्चिमी यूपी में मतदान हो रहा है, गाजियाबाद बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि यहां से विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पिछली बार बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे राजबब्बर से, आज उनकी क्या तैयारी है, प्रणय उपाध्याय ने उनसे बात की है, आइए सुन लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 की शुरुआत हो रही है, पहले दौर का मतदान आज से शुरू होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह हैं। सिंह साहब, ये चुनाव इस बार मुद्दों की के लिए आप लड़ रहे हैं, नाम पर लड़ रहे हैं, या ये किस चीज के ऊपर चुनाव होगा जिस पर आप री इलेक्शन मांग रहे हैं? देखिए, चुनाव विकास के ऊपर है। 2014 के अंदर चुनाव था कि भ्रष्टाचार हटाना है, जो एक अननिर्णायकता सरकार के अंदर थी उसकी जगह निर्णायक सरकार लानी है। निर्णायक सरकार आ गई और विकास की बात हुई, सबका साथ सबका विकास। अब विकास और विकास, और ऐसा विकास जो नए भारत की ओर ले जाए। जनरल साहब, आप जब फौज में थे तो आप टू फ्रंट वॉर की बात किया करते, यहाँ भी दोहरा मोर्चा लग रहा है, लग रहा है कांग्रेस भी है, बीएसपी सपा का गठबंधन भी है, तो कितने मोर्चे हैं? देखिए, वो तो 2014 में भी थे, और पर अब की बार एक अलग सी चीज है जिसकी बात की जा रही है, महागठबंधन। हमारे यहाँ महागठबंधन ने एक प्रत्याशी को खड़ा किया, उसके बाद उसको हटा दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी के जो एक मेंबर थे
उनको भारतीय जनता पार्टी के नहीं बसपा के जो मेंबर थे उनको सपा के अंदर ज्वाइन कराया और उसको खड़ा किया। एक अजीबोगरीब बात है और नीचे कार्यकर्ता इसको कैसे देखता है वो सोचने की बात है। जो कार्यकर्ता कभी एक दूसरे के साथ मिलकर चले नहीं, जो कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे रहे, वो अब की बार क्या रंग लाएंगे यहाँ पर वो तो 23 तारीख को पता चलेगा। मोर्चा खोलने के लिए पहले दौर के मतदान में आपको उतारा गया लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो आपको लगता है यहां से जो दौर शुरू होगा वो आंकड़ों की जो संख्या है उसको कहां तक ले जा पाएगा? मुझे लगता है कि आंकड़ों की संख्या बहुमत पार करेगी। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ये थे जनरल वीके सिंह, जिनका कहना था कि मतदान में उनके साथ विकास जो सरकार का ने किया है उसका बल है और साथ ही ये जो आंकड़ों का सिलसिला है ये बहुमत तक सरकार को ले जा पाएगा और एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी, ये दावा है जनरल वीके सिंह का जो गाजियाबाद से उम्मीदवार हैं। कैमरामैन वीके पांडे के साथ प्रणय उपाध्याय, गाजियाबाद, एबीपी न्यूज। तो प्रणय को तो आपने सुन लिया, अब जरा बिहार के गया चलते हैं जहां पर मतदान होना है। गया में देखिए प्रकाश कुमार मौजूद है और वहां चाय पर चर्चा करके पूछा गया कि बताइए किस मुद्दे पर आज की तारीख में आज जब चुनाव के लिए मतदान करने जाएंगे तो कौन सा वो मुद्दा होगा जब बटन दबाते वक्त आपके जहन में रहेगा। प्रकाश की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बिहार के गया में चुनाव होना है और अब से कुछ ही देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। क्या चर्चा हो रही है, चाय के दुकान पर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? मुद्दा तो चुनाव का बढ़िया है, चुनाव का मुद्दा बढ़िया है। हम तो बीजेपी एनडीए का सरकार है यहाँ, आज एनडीए को हम लोग वोट देंगे। आप लोग किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? मोदी जी के सिर्फ जो काम किए हैं उनके मुद्दे पर दिया जाएगा। अच्छा, जो चाय बनाते हैं उनकी मुलाकात बहुत तरह के लोगों से होती है, हर पार्टी के लोग आते होंगे, समर्थक आते होंगे, तो यहाँ क्या चर्चा रहा इस बार, किस मुद्दे पर लोग ज्यादा चर्चा करते हैं? ज्यादातर तो बस मोदी जी के बारे में ही चर्चा है सर, बस हमें बस मोदी को ही लाना है। और ये राहुल गांधी महागठबंधन इस पर चर्चा, ये सब कुछ नहीं। और लोग हैं जो चाय पी रहे जा रहे हैं, क्या है इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहा है? और अच्छा माहौल है चुनाव का, मैं तो वोट देने जा रहे हूँ गाँव अपने वजीरगंज जमुआमा, बहुत शानदार है चुनाव। क्या मुद्दा इस बार रहा है जिसको आप लग रहा है कि उस मुद्दे को आपने ज्यादा पकड़ा है और ज्यादा आपके दिल के करीब है? चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में तरक्की हो, हर अमीर और गरीब अच्छे तरीके से रहें और सेकुलर मुल्क है, बहुत विकास और तरक्की की बुलंदियों पर चढ़े। जो भी पार्टी आए इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क में, उसी की तरक्की के लिए हम लोग वोट देने के लिए गांव जा रहे हैं वजीरगंज जमुआमा। पहले चरण का मतदान है तो इस मतदान को लेकर के आप लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में क्या खास है? खास क्या रहेगा है, अरे हमेशा तो चुनाव होता है, हर 5 साल पर तो चुनाव होता ही है। जो सरकार काम कर रहा बढ़िया उन्हीं को चुनाव वोट देना है, और कहाँ, हम लोग वोट सीधे नरेंद्र मोदी को ही देंगे। आप बताइए। मेरा नाम सतीश कुमार, मैं गया के रहने वाला हूँ। मैं अच्छे नेता को चुनना चाहता हूँ जो हमारे देश के हित में काम करे, वो हमारे मोदी जी हैं, उनके मैं स्वीकार करता हूँ। और खासकर ये जो ग्राफिक्स अभी हम दिखा रहे हैं इलेक्शन सेंटर से, वो गया के मतदाताओं के लिए है। कायदे से देख लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों बाद अब आपको मतदान के लिए तैयारी शुरू करनी है। ये दो चेहरे मेरे सामने आप देख रहे हैं, विजय कुमार मांझी और दूसरी तरफ है जितिन राम मांझी। बिहार की 4 सीटों पर जो टक्कर है उसमें से एक गया है। ये गया सीट जो है बीजेपी के खाते में गई थी 2014 में, एनडीए को 56% वोट प्रतिशत मिला था और यूपीए को 26%। और यहां महागठबंधन के जो कैंडिडेट है जितिन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, इस वक्त अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब जरा महाराष्ट्र के चंद्रपुर आपको ले चलते हैं, जहां पर मृत्युंजय ने कुछ लोगों से बातचीत की है। यहां भी है आज पहले चरण का मतदान। सत्रहवीं लोकसभा के गठन के लिए और अगले 5 साल के भविष्य के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आज मतदान करेगा। आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। देश के 20 राज्यों की 91 सीटों पर
यह मतदान होंगे। मैं इस वक्त महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में हूँ। चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र के विदर्भ में आता है, विदर्भ की 7 सीटों पर भी आज मतदान होंगे। यहाँ पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा की तरफ से जो यहाँ के सांसद हैं वो 4 बार इसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। हंसराज अहिर 2004 से लेकर अब तक वो लगातार सांसद रह चुके हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के बालू धानोरकर से है। इन दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। कुल 13 उम्मीदवार चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त ही आप देखिए सूरज के उजाले के साथ ही धीरे धीरे लोग घरों से बाहर निकलने लगे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब पोलिंग बूथ पर लोग जाएं और मतदान करें। सुबह जो मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकले हैं वो भी सुबह सुबह पहुंचकर मतदान के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ लोगों से जल्दी जल्दी रिएक्शन लेंगे। तैयार हैं मतदान के लिए? हम तैयार हैं मतदान के लिए। बहुत उत्साहित हैं आज, क्योंकि आज हमारे देश का पहला पर्व है जो खुशियां लाने वाला है, इसीलिए हम जो है लोकसभा के इलेक्शन के लिए काफी तैयार है हम लोग। जी बिल्कुल, आप तैयार हैं? सुबह सुबह उठकर आए, अभी तो 6 भी नहीं बजे। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है अभी हम जी। आप? मैं तो रात भर नहीं सोया आज के लिए, इतने एक्साइटेड है। बहुत बिल्कुल। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ मैं जी। बिल्कुल मन बना लिया वोट करना है? बिल्कुल बिल्कुल वोट करना है। उत्साहित है? बिल्कुल वोट करना है आज किस हालत में। बिल्कुल, अभी सुबह के 6 भी नहीं बजे हैं, उत्साहित हैं अभी? आप तो लेकर सुबह मतदान करके अपने काम पे निकल जाना है। अच्छा, तो अभी 6 भी नहीं बजे हैं और आप एकदम? 7 बजे मतदान चालू हो जाएगा। बिल्कुल 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और देखिए कितना ज्यादा उत्साह है और ये उत्साह होना भी चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है। भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, देश के करोड़ों लोग इस लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और ये लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में कोई भी अछूता नहीं रहना चाहता और इसीलिए हर कोई जो 18 वर्ष से अधिक का है, जिसका नाम नामांकन जो वोटर लिस्ट है उसमें है, वो जाकर मतदान कर सकता है। आप भी घरों से बाहर निकलिए। अगर आपके इलाके में, आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं तो आप भी घरों से निकलिए और जमकर मतदान कीजिए। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज चंद्रपुर। तो चंद्रपुर के मतदाताओं के लिए अब ये खास ग्राफिक्स है। आज चंद्रपुर में कौन अपनी किस्मत और कौन अपने लक को आजमा रहा है वो आपके सामने। हंसराज अहिर है, ये गृह राज्य मंत्री हैं चंद्रपुर से मतदाताओं के बीच, और उधर सुरेश धानोरकर। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मोस्ट वॉच्ड सीट आप इसे कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि शिवसेना ने धानोरकर को सीट नहीं दी तो वो नाराज हो गए, और उसके बाद एनसीपी के शरद पवार ने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से रिक्वेस्ट की धानोरकर को लेकर, तो वहां कैंडिडेट जो है वो बदला गया और अब धानोरकर जो है वो गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर को यहां पर चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, वहां पर हमारी संवाददाता ने चाय पर चर्चा की है। उन्नीस लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। 7 चरणों में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, आज उसका पहला चरण है, 11 अप्रैल है। ऐसे में 20 राज्यों की 91 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे और सबसे तेज कवरेज आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर में, जो देश की नंबर 1 लोकसभा सीट है, जहां पर जो पश्चिमी यूपी में आने वाली है सहारनपुर सीट है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, और वोटिंग से पहले बूथ की जो तैयारियां हैं वो दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरों के जरिए। ये एक स्कूल है सहारनपुर का, जहां पर देखिए मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम पोस्टर्स और बच्चों के हाथ से बनाई हुई ड्राइंग्स यहां पर लगाई गई हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो भारी संख्या में आए और अपने मत का उपयोग करें, अपने मत का इस्तेमाल करें और वोट दें। और ये देखिए तस्वीरें आपको, ये जो अलग अलग कमरे हैं, यहां पर बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, वो यहां पर सुबह सुबह पहुंच चुके हैं। आपको ये बीप की जो आवाज सुनाई दे रही है, ये आखिरी वक्त की जो मशीनों की टेस्टिंग है वो हो रही है। यहां पर ये जो तमाम बूथ मौजूद है, यहां पर वीवीपैट मशीनें भी लगाई गई हैं लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि वो जान सकें कि उन्होंने जो वोट दिया है वो सही तरीके से और सही उम्मीदवार को मिला है या नहीं मिला है। देखिए ये पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लगाए गए इस तरीके से पोस्टर्स हैं तमाम, जिसमें ये पूरी जानकारी दी गई है कि वीवीपैट से जो मतदाता है वो किस तरीके से मतदान करें। आपको बता दें सहारनपुर में जहां मौजूद है, यहां पर बीजेपी, कांग्रेस और गठबंधन तीनों ही उम्मीदवारों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी से इस बार यहां पर राघव लखनपाल जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो पिछली बार सांसद चुने गए थे।
अब सहारनपुर की बात कर लेते हैं। इनफैक्ट वहां पर तो सीधा सवाल भी हुआ था, सहारनपुर की जनता जो है वो ये कह रही थी कि आप समझ लीजिए त्रिकोणीय मुकाबला है, दो जने नहीं, राघव लखनपाल शर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, सिटिंग एमपी भी है, हाजी फजलुल रहमान भी है, इमरान मसूद, यहां पर परिचय देने की जरूरत नहीं है। बहुत विवादित बयान देने के बाद फंस गए थे, लेकिन कांग्रेस ने इन पर फिर से भरोसा जताया। बीजेपी को 40% यहां पर वोट, बीएसपी को 24% और कांग्रेस को 34%, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का है 2014 का। यूपी की 8 सीटों पर जो टक्कर होने वाली है उसमें सहारनपुर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखिए 6:46 हो गए हैं, आज अगर आप इन 91 सीटों में रहते हैं आप बाहर निकलिए, मतदान कीजिए, उसके बाद एक सेल्फी लीजिए, KBPM सेल्फी हैशटैग लगाकर एबीपी न्यूज को भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी तस्वीर दिखाने के लिए। बड़ी कवरेज, खूबसूरत हर रंग दिखाने वाली कवरेज है, लगातार जारी रहेगी, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 6:50 हो रहे हैं, 7 बजे मतदान जो है 91 सीटों पर शुरू हो जाएंगे। बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, जाइए बाहर और वोट कीजिए, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कीजिए, और अगर आपको कुछ परखना है, जानना है उस कैंडिडेट के बारे में, तो एबीपी न्यूज लगातार ट्यून इन करके रखिए, क्योंकि यहां पर आपको हर जानकारी मिलेगी। बड़ा पैनल पत्रकारों का हमारे साथ मौजूद है, यहां देखिए रिपोर्टर्स हमारे साथ, 100 से ज्यादा रिपोर्टर, गिनकर बता रहे हैं हम आपको, 100 से ज्यादा रिपोर्टर है 91 सीटों पर तैनात, जो आपको हर पल का अपडेट जो है पहुंचाने वाले हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये खास एबीपी न्यूज के व्यूअर्स के लिए तैयार की गई है, इसलिए ताकि आपको इस बड़ी स्क्रीन पर तरीके से और कायदे से हर एक आंकड़ा, हर एक डेटा जो है वो समझाया जा सके। आप जानते हैं ये 70वीं लोकसभा का चुनाव जो है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, यूथ बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहता है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहती हैं, और इसीलिए नर्वस हैं हमारे बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। क्यों है अहम ये बताएंगे आपको कुमकुम। बिल्कुल रूपिका, और जैसा कि हमने आपको बताया पिछले कई महीनों से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आज से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जब जनता चुन लेगी और तय कर देगी कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लेकिन पहले तस्वीर देखिए, मोहन भागवत आए हैं बाहर सुबह सुबह तड़के वोट डालने के लिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त उनके साथ मौजूद, उनके तमाम सहयोगी डाल रहे हैं वोट। सुबह 7 बजे का वक्त था और देखिए 7 बजने में अब करीब करीब 5 मिनट बाकी है, और मोहन भागवत की लाइव तस्वीरें, जैसा कि हमने आपको बताया कि हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज पर होगी। और ये देखिए हमने करके दिखाया मोहन भागवत की पहली तस्वीर वोट डालते हुए, बेहद महत्वपूर्ण। नागपुर का ये पूरा इलाका बीजेपी के लिए, नितिन गडकरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, संघ मुख्यालय यहां है, और मोहन भागवत सरसंघचालक वोट डालने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें मोहन भागवत की वोट डालते हुए, हालांकि अभी वोट डालने जा रहे हैं, बाहर की तस्वीर है, अभी अंदर जाएंगे, प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये एक संदेश है, देखिए कितना अच्छा संदेश है कि सुबह सुबह तड़के 7 बजे, आप 7:30 बजे भी डाल सकते थे वोट, 8 बजे भी, लेकिन हम तो 7 बजे वोट डालेंगे, संदेश देने के लिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम है लोकतंत्र में वो आप सबसे पहले कीजिए, और इससे अच्छी शुरुआत दिन की हो ही नहीं सकती। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि जो तैयारी एबीपी न्यूज ने पहले चरण के मतदान के लिए की है और कहीं नहीं है, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज।